हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपका जो अपकमिंग आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो हमारा आरआरबी जेई का पेपर वन होता है वो तो नॉन टेक का होता है, लेकिन आगे जाके आपको उसका टेक्निकल पेपर भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारा बैच है उसमें हम टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को कवर करते हैं। तो आपके लिए जो मैं टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स विच आर बीइंग यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग मटेरियल्स, अब अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एवरी AEJEE एग्जाम, इंक्लूडिंग योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। गेट का एग्जाम बस ऐसा है जिसमें इसका वेटेज कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है, लेकिन इसके अलावा आप कोई से भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है इट इज़ मोर और लेस मैक्सिमम। तो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो पर्टिकुलर वेटेज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी हाई वेटेज सब्जेक्ट रहता है, और बहुत वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत सारे हैं। हम बहुत सारे मटेरियल्स की यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है? तो वहाँ से सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है आपके हर AEJEE एग्ज़ाम में, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट जो है आपके RRB वाले गोल में स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने ये सब्जेक्ट दो बार SSCJEE के गोल में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है? अभी न्यूली मैं इसको स्टार्ट करूँगा जो हमारा अपकमिंग RRBJEE का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है? जो कवरेज होगा टॉपिक्स का, जो कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वो हर एग्ज़ाम में सेम रहते हैं, टॉपिक्स के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत उसके जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो न्यू क्वेश्चंस होते हैं या थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। न्यू मतलब ऐसा नहीं कि कोई नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, पूछने का तरीका कभी कभी बदल देता है। तो अपन सफिशेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और इनफैक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स के तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, चाहे आपके अनअकैडमी स्पेशल क्लास की बात करो या आपके यूट्यूब सेशंस की बात करो, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करवाए हैं। और बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर भी मैंने डेडिकेटली 4 या 5 सेशन लिया था आपका यूट्यूब पे भी, जिसमें हमने सिर्फ इसी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखे थे। अब अगर मैं आपको इसके टॉपिक्स के बारे में बताऊँ जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वो सारे मटेरियल्स हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट विल बी सीमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आ रहा है और सीमेंट से क्वेश्चन ना आए, डेफिनेटली सीमेंट से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है, ठीक है? सीमेंट में एक जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बोक्स कंपाउंड से बनती है, इसके इंग्रेडिएंट्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? दूसरा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, दूसरा इसके अलावा जो हमारी स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट होती है, सीमेंट के ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब हर एक टॉपिक से वो कोई ना कोई हिस्सा को टच करता ही है और डेफिनेटली क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक? नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू लाइम। लाइम के बाद मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा मोर्टार, तो आफ्टर लाइम विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर्टार, आफ्टर मोर्टार विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट्स। अब ये जो एग्रीगेट्स वाला टॉपिक है कॉमन टॉपिक बन जाता है आपके हाईवे इंजीनियरिंग के लिए भी और बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी। एग्रीगेट्स के बाद अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडमिक्सचर्स, देन हम यहाँ पर बात करेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। अब ये सारे जो आपके इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं ये सब के सब हम यूज़ करते हैं कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग में। लाइम ऑप्शनल हो जाता है क्योंकि लाइम कंक्रीट भी बनता है, सीमेंट कंक्रीट भी बनता है। तो अगर आप सीमेंट को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करके कंक्रीट बनाते हो तो अपन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं इसको। अगर लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करके आपने कंक्रीट बनाया तो उसको हम लाइम कंक्रीट बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कंक्रीट के लिए। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंक्रीट। अब बहुत से एग्जाम्स जब आप देखते हो उसमें क्या होता है, आपको सीमेंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मोर्टार लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको एग्रीगेट्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एडमिक्सचर्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वाटर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कंक्रीट या कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अब अगर मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, यही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलॉन्ग विद कंक्रीट, और इसके साथ हमारा मिक्स्ड डिजाइन वाला पार्ट भी होता है। तो कहने का मतलब है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे तो वहां पर भी आपको ये सारे मटेरियल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके साथ आपको कंक्रीट पढ़ना है और कंक्रीट मिक्स डिजाइन पढ़ना है। तो मिक्स डिजाइन वाला पार्ट मैंने RCC में करवा रखा, दैट ऑल्सो आई हैव कवर्ड।
इसका मतलब है कि अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को देखते हो अपने सिलेबस में लिखा हुआ, तो ये मत समझना कि सीमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, मोटार से क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्रीगेट्स एडमिक्सचर्स वाटर से क्वेश्चन नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें भी जो होती है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा जब अपन यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारे एक ही कनेक्टेड टॉपिक्स हो गए। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्रिक्स, विल बी डिस्कसिंग अबाउट रॉक्स एंड स्टोन्स, विल बी डिस्कसिंग अबाउट टिम्बर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीमेंट हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, टिम्बर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक हैं आपके पूरे बिल्डिंग मटेरियल के। इनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 25% 25% 25% होता है, और बाकी जो हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं वो 25% की रेंज में वैरी करते हैं। देन इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ मिसलिनियस बिल्डिंग मटेरियल की बात भी करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पेंट के बारे में, विल बी टॉकिंग अबाउट स्टील, विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लास, ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट बिटुमन, बिटुमन भी आपका कॉमन टॉपिक बनता है हाईवे इंजीनियरिंग में भी, यहाँ पर भी, ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक, विल बी टॉकिंग अबाउट एस्बेस्टॉस। तो कहने का मतलब है इतने सारे टॉपिक्स हम लोग एक ही सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे, तो ये काफ़ी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैं आपको कवर करवाऊंगा, ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। 100% कंटेंट आपको मैं यहाँ पर दूंगा, डेट विल बी सफिशियंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। हर एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा, आपको बस रेगुलर होके क्लास यहाँ पर लगानी है और सारे नोट्स को, कंटेंट को अपने कॉपी में आपको नोट करना है, ठीक है। रही बात हमारे जो बैच की, बैच की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। एक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच यहाँ पर है, जिसमें आप आरआरबी जेई का और एसएससी जेई का कंबाइन कोर्स एक साथ परचेज कर सकते हो, जहाँ पर आपको एई जेई की भी तैयारी हो जाएगी और आरआरबी जेई की भी तैयारी हो जाएगी, इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अभी बेनिफिट ये है कि ये दोनों ही कोर्स जो कंबाइंड फॉर्म में आपके लिए हमने अवेलेबल करवाए हैं, ये 50% के डिस्काउंट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नया बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 महीने का कोर्स आपको ₹7,389 में मिल जाएगा, जिसमें एसएससी, आरआरबी, एईजेई एग्जाम और आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इंक्लूडेड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये जो है आपका 12 महीने का यानी 1 साल का कोर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ₹2,000 एक्स्ट्रा पे करते हो तो डायरेक्टली आपको 6 मंथ्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स यहाँ पर परचेज करना है। अब ये जो ऑफर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको डिस्काउंटेड प्राइस में, 50% के प्राइस में परचेज करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, PARA13। तो मेरा ये जो कोड है यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा वीडियो की वजह से, ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको, ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज़ करके अनअकैडमी के ऊपर आप कोई से भी सब्सक्रिप्शन को डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकते हो, हर एक कोर्स आपको यहाँ पर डिस्काउंट में अवेलेबल हो जाएगा। देन अगर मैं बैच की जानकारी दूं, तो जैसा मैंने आपको बताया, आई विल बी स्टार्टिंग विद बिल्डिंग मटेरियल्स। जो मेरी क्लासेस रहेंगी वो 11 बजे से रहेंगी। कब से स्टार्ट हो रही है? 11th अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। मेरे ये सब्जेक्ट के अलावा कास्टिंग भी स्टार्ट हो रहा है आपका, और बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट भी स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। फुल लेंथ कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कशन करवाया जाएगा आपका, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट है, ठीक है। हमारा आरआरबी जेई का सेपरेट बैच भी अवेलेबल है, एसएससी जेई का सेपरेट बैच भी अवेलेबल है, जहाँ पर भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आरआरबी का कोर्स अगर आप देखोगे तो 3 मंथ्स का कोर्स अवेलेबल होता है, 6 महीने का कोर्स अवेलेबल होता है और 12 महीने का कोर्स अवेलेबल होता है। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹2,475 में मिल जाता है, यह आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹3,300 के आसपास मिलता है, और यह आपको ₹4,500 में मिलता है। तो बहुत ही कम प्राइस में हमने इतना अच्छा ड्यूरेशन आपके लिए रखा हुआ है, इतना अच्छा डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको डेफिनेटली अवेल कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, डिस्काउंट के लिए ये कोड लगा लीजिएगा, कोई सा भी कोर्स आप परचेज करो। जो हमारा एईजेई वाला बैच है, इसमें रिसेंटली मेरा भी हाईवे स्टार्ट हुआ है, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कॉम्बो बैच लोगे तो आपको दोनों यहाँ पर एक साथ मिल जाएगा। जो हमारा अपकमिंग बैच है उसमें करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है, और इसको भी अवेल कर सकते हो आप PARA13 लगा के। ये कोर्स आपका 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है, ये कोर्स आपका 12 महीने के लिए भी अवेलेबल है, ये कोर्स आपका 24 महीने के लिए भी अवेलेबल है। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹4,999 में मिल जाता है, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹6,999 में मिलता है, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹8,000 में मिल जाता है। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, सिर्फ आपका AEJEE का कोर्स है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके बाकी ESC की तैयारी नहीं होगी, ये सब भी तैयारी हो जाएगी। हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं,
ठीक है। और अगर आप ये कॉम्बो बैच परचेज करते हो तब तो और अच्छी बात है, तब तो आपको एक ही बैच में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट्स की जानकारी मैंने आपको दे दी, अनअकैडमी ऐप के जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे रेज अ हैंड, ये सिर्फ ऐसा फीचर है जो आपको सिर्फ अनअकैडमी में मिलेगा, और किसी भी ऐप में आपको रेज अ हैंड ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसमें क्लास के बीच में आप एजुकेटर से वॉइस कॉल के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, बात कर सकते हो। जब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम आपको ऐप में करवाते हैं तो हम पोल्स के थ्रू करवाते हैं, आप एक क्वेश्चन को गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम आप करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हो, आप रियल टाइम वहाँ पर अपना कॉम्पिटिशन भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस भी होती है हमारी, उसमें भी पोल्स में कर सकते हो आप, प्लस क्लास में भी आप पोल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम आपको आई टाइम करवाते रहते हैं, हमने आपको वर्कबुक भी प्रोवाइड करके रखी हुई है, ठीक है, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सको, और हम भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, बहुत ही कम आपका डेटा कंजम्पशन यहाँ पर होता है, जितनी बार आपको देखना है, और पिछले 2-3 सालों में हमने जितने भी लाइव सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए हैं उनको भी एज अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट आप देख सकते हैं, मतलब आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप यहाँ पर देखना चाहते हैं उसको आप एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। बाकी हम हर एक सब्जेक्ट आपको लाइव करवाएंगे यहाँ पर, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं वो भी साथ साथ में देख सकते हो, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर एजुकेटर का देखना है तो आप उसका भी कोर्स देख सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है। देन अगेन जो हमारा PDF होता है, यानी जो क्लास के नोट्स होते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं, उसकी PDF आप इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हो जैसे ही हमारा लेक्चर सेव होता है, क्योंकि आपको PDF के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, एजुकेटर पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप प्लस क्लास का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपका एक रूटीन बन जाएगा पढ़ने का, आप हमेशा उस टाइम पे पढ़ने के लिए आओगे, अपने नोट्स बनाओगे, हमारे साथ पढ़ोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन होगी। आप यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहोगे तो यूट्यूब पे उतनी फ्रीक्वेंटली क्लासेस होती नहीं है, ठीक है, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, कभी गैप ज़्यादा हो जाता है ना, कभी कुछ पार्ट छूट जाता है, तो अगर आप प्लस में पढ़ते हो उस चीज़ को तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और जितने भी हमारे एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए नजर आएंगे सभी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हर एग्ज़ाम्स का, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप हमारी स्पेशल क्लासेस लगा के देख सकते हो, आपको एजुकेटर के लेवल के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा, आप हमारे नोट्स देख सकते हो, ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर किए हुए, आप नोट्स को पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से अनाउंसमेंट थी। दूसरा, जो बच्चे RRBJEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CBT 1 को ध्यान में रखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है, तो 2 टेस्ट हो चुके हैं इसके, तीसरा टेस्ट जो है वो 9 अक्टूबर को होगा, 9 बजे का टाइम रहेगा, 90 मिनट्स जैसा आपका मेन एग्जाम में होता है, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और टॉपिक भी आपके RRBJEE CBT 1 के जैसा ही है, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो आप इसको भी देख सकते हो, और टेस्ट आपको डेफिनेटली देना ही चाहिए अगर आप इस एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक। सो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट थी, डेफिनेटली आप इस बैच को परचेस करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप मेरे साथ बिल्कुल तैयारी करेंगे, चाहे SSC का हो चाहे RRBJEE का हो, आप बिल्कुल इसको परचेस करिए, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस कॉम्बो बैच को परचेस करिए, तो बहुत ही कम प्राइस में आप दोनों का एक्सेस पा सकते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।